that is far beyond you and I. Ready yourselves! हाय गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू द मूवी सन। हमारे के वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ कुछ हॉलीवुड की बढ़िया मूवी शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप यूट्यूब पर इजीली देख सकोगे। अब हमेशा की तरह मूवीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर वीडियो के अंदर कोई मूवी पसंद आता है तो उसे जल्द से जल्द देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी डिलीट हो सकती है। सो बस इतना ही कहना था, चलो बिना ऐसे देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्टअप करते हैं। तो आज की इस लिस्ट के नंबर 10 पर आती है 4.9 की IMDb रेटिंग के साथ नॉक नॉक। ये 2015 की बनी एक हॉरर और थ्रिलर वाली फिल्म है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है इवन और उसके परिवार की स्टोरी, जो कि ये सभी प्लान तैयार करते हैं कि वेकेशन पर जाने के लिए, लेकिन इसमें इवन को एक काम आ जाता है और इसी वजह से उसके परिवार को उसके बिना ही वेकेशन पर जाना पड़ता है। अब इसमें इवन जब एक रात अपने घर के अंदर वो काम कर रहा था, ऐसे में दो लड़के उसके घर के बाहर आते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और वो दोनों लड़कियां इवन से मदद मांगती है। अब इसमें इवन उन दोनों लड़कियों की मदद तो करता है, लेकिन एक्चुअली यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर ऐसे में आपको भी इन दोनों लड़कियों की एक्चुअली प्लान जाना है और वो दोनों लड़कियां इवन के साथ क्या कुछ चीजें करती है, एग्जैक्टली इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। हाँ, मूवी की रेटिंग कम हो सकती है, लेकिन मूवी देखने में अच्छा है। लेकिन ये मूवी एक्चुअली 18+ फिल्म है, तो इसी वजह से ये मूवी आप अपने परिवार के साथ तो देख ही नहीं पाएंगे। लिस्ट को आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के नंबर 9 पर आती है दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर। ये 2010 की बनी एक एडवेंचर फिल्म है, जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। तो इस फिल्म के अंदर कहानी में देखने को मिलती है लुइस की कहानी, जिसकी बहन काफी ज्यादा बीमार होती है और वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी है, लेकिन उनके पास इसका कोई इलाज होता नहीं है। ऐसे में लुइस को एक आखिरी उम्मीद नजर आती है, उसे ये पता लगता है कहीं पर एक मम्मी है और वो उसे जिंदा करके अपनी बहन को ठीक कर सकती है। और अब ऐसे में लुइस उसी मम्मी की तलाश में वो एक एडवेंचर या जर्नी पर निकल पड़ती है। तो आगे उसके साथ कहानी में क्या कुछ चलचर्न आएंगे, ये सब चीजें हम इस मूवी का देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एडवेंचर फिल्म है। अगर आपको ट्रेजर हंटिंग या मूवीज वगैरह देखना पसंद है तो आगे की ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके नंबर 8 पर मैंने एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी रखी है, जिसका नाम है बैड बॉयज फॉर लाइफ। ये 2020 की बनी एक मूवी है, जिसे हमने काफी दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उस वक्त मूवी की क्वालिटी काफी लो है, लेकिन इस बार मूवी फुल HD में YouTube पर रिलीज हो चुकी है। अब इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है डिटेक्टिव माइक और उनके बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी, जो कि दोनों ही डिटेक्टिव होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें मायामी पुलिस स्टेशन या डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है एक नई टीम के साथ, ताकि वो गैंग माफिया को पकड़ सके। अब इसमें डिटेक्टिव माइक और मायामी की जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही क्रिमिनल डिटेक्टिव माइक को मारना चाहते हैं उनकी पिछले कुछ करतूतों की वजह से। अब इस क्रिमिनल के साथ डिटेक्टिव माइक की क्या रिश्ता है, इसकी एग्जैक्टली कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। कसम से यार, बहुत ही कमाल की एक्शन फिल्म है। चलिए बात करते हैं आज के लिस्ट की नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम है दी एस्केप प्लान। ये 2013 की बनी एक फिल्म है, जो कि एक्शन एडवेंचर से भरपूर है, जिसे 6.7 की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी है। तो जैसा कि हम इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, मतलब कि इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है रे की स्टोरी, जो कि एक सिक्योरिटी सर्विस एक्सपर्ट होता है, लेकिन रे को कुछ लोग एक बहुत ही गंदे केस के अंदर फंसा के उसे एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भेज देता है उसे वहाँ सजा काटने के लिए, लेकिन ऐसे में रे किसी भी तरह उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऐसे में उसकी मदद उसे जेल के अंदर एक व्यक्ति करता है, और अब जो किस तरीके से उसे जेल से भागता है, यही हम इस मूवी के अंदर देखेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर यार जिस तरीके से प्लान्स होते हैं जेल से भागने का, वो सभी प्लान्स और उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं, यही तो इस मूवी की जान है। हो सके तो प्लीज आज के इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि सिर्फ 700 लाख का एक छोटा सा टारगेट है लाइक का, तो प्लीज पूरा कर देना 24 या 2 दिनों के अंदर, पूरा उम्मीद है जरूर पूरा करवा दोगे आप। तो उसी के साथ लिस्ट के नंबर 6 पर आते हैं, लिस्ट के नंबर 6 पर आती है दी एडम प्रोजेक्ट। ये 2022 के एक बहुत ही कमाल की साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 6.7 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। तो मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है एडम की स्टोरी, जो की 2050 से वो 2020 या 2019 के अंदर आ जाता है, ताकि वो फ्यूचर को बचाने के लिए एक मिशन को पूरा होने से पहले रोक सके, लेकिन ऐसे में एडम को कुछ लोग पकड़ना चाहते हैं और इसी वजह से कुछ गलतियां होने की वजह से एडम जिस लोकेशन या जिस टाइमलाइन के अंदर वो जाना चाहता है
वो उसे थोड़ा सा आगे या पीछे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अब उसे उसकी ही मदद लेनी पड़ती है कैसे और किस तरीके से। इसके बाद की कहानी प्लीज आप इस मूवी के अंदर देख लेना, क्योंकि इस मूवी के बारे में आपको जितना कहानी के बारे में पता कम होगा उतना ही आपको मूवी देखने में मजा आ सकता है। वेल, आज की लिस्ट के नंबर 5 पर मैंने रखी एक रोमांटिक और कॉमेडी वाली फिल्म जिसका नाम है दी हेटिंग गेम। इसे 2021 को रिलीज किया गया था, वो भी 6.2 की IMDb रेटिंग के साथ। तो जैसे ये मूवी शुरू होगी आपको पता लग जाएगा कि इस मूवी के अंदर हम कहानी लूसी और जॉस की स्टोरी देखने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों दो अलग अलग कंपनियों के अंदर काम करते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों की पूरी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि इन दोनों की जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, और इसी वजह से लूसी और जॉस को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये पता लग चुका था कि उनकी इस कंपनी की तरफ से उन दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलने वाली है। बस में से प्रमोशन पाने के लिए ये दोनों क्या कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, उनकी इसी कहानी को हम इस मूवी के अंदर देखकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, हिंदी में अवेलेबल है, तो इसे आप जरूर देखने की कोशिश करना। आज के इस लिस्ट के नंबर 4 मूवी देखने में पता नहीं क्यों लेकिन आपको बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। इस मूवी का नाम है द टूर्नामेंट, जिसे 2009 को रिलीज किया गया था 6/10 की IMDb रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है दुनिया की सबसे बेस्ट 30 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और असैसिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ताकि वो दुनिया की नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट किलर बन सके, जिसके बदले उन्हें बहुत सारा पैसा और काम मिल सकता है। इस मूवी के अंदर जो ब्रूटल सीन्स और एक्शन वगैरह देखने को मिलती है, ये सभी चीजें देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मूवी हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ बात करते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 3 फिल्म की, जिसका नाम है एक्सोडियस गॉड्स एंड किंग्स। ये 2014 की बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर आपको दो लोगों की कहानियां देखने को मिल सकती है, इनमें से एक है मतलब की जो पहला इंसान है वो इजिप्ट का राजा होता है, और दूसरे इंसान को इजिप्ट से निकाल दिया जाता है कुछ चीजें करने की वजह से। अब इसमें जिस इंसान को इजिप्ट से निकाल दिया जाता है उसे गॉड द्वारा चुना जाता है ताकि वो इंसानों को उसी जुल्मी किंग से आजाद कर सके और उस किंग को मार सके। मूवी की कहानी बहुत ज्यादा कमाल की है, होपफुली आप इसे देखोगे क्योंकि बाद में आपको पता लग जाएगा ये मूवी कितनी ज्यादा कमाल की है। इसी के साथ बात करते हैं आज के इस लिस्ट की नंबर 2 फिल्म की, जिसका नाम है द डिसेंट। ये 2005 की बने एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे 7.2 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, जो की जंगलों के बीच में उन्हें एक केव मिलता है और उसी केव को वो लोग अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए वहां चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस गुफा के अंदर घुसते हैं या फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें ये पता लगता है कि वो उस गुफा के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता लगता है कि इस गुफा के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रेडेटर है जो कि उन्हें मिनटों में मार सकता है। इस मूवी को जरूर देख सकते हो, बहुत अच्छी फिल्म है। इसी के साथ बात करते हैं आज के इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जो कि एक एनिमेशन मूवी है जिसका नाम है टीनेज म्यूटेंट निंजा टू प्लस म्यूटेंट मेहम। बहुत बड़ी नाम है लेकिन मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म को काफी टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, लेकिन इस मूवी को हिंदी में कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है और इसी वजह से ये मूवी इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम या इंटरनेट से जरूर डाउनलोड करके देख सकते हो। इस फिल्म का एनिमेशन टाइप बहुत ज्यादा गजब है, आप इस मूवी को जरूर देखो, मजा आएगा तुमको देखने में। तो इसी के साथ ये थी आज के इस लिस्ट की टॉप 10 बेस्ट मूवीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बोल देना कि कौन सी मूवी को सबसे पहले आप देखोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और मूवीज देखने के लिए। मिलता हूँ किसी के नए वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय।